अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जवाद यूनस और आज जो क्लास मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये बिगनर सीरीज की 31 नंबर क्लास है, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा पर्सपेक्टिव टूल के बारे में, पर्सपेक्टिव रैप टूल के बारे में। पर्सपेक्टिव रैप टूल में ज़्यादातर जो यूटिलाइज होता है वो होता है बिल्डिंग्स, 3D जो बिल्डिंग्स, पर्सपेक्टिव जो बिल्डिंग्स होती हैं जिनका 3-point पर्सपेक्टिव होता है, उसको आप मर्ज आउट करने के लिए या उसके पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए ये ज़्यादातर यूटिलाइज होता है। ये सेम टू सेम उसी तरह पपेट टूल की तरह ही है, लेकिन जो है इसका थोड़ा सा अलग वे है। ये पर्सपेक्टिव बिल्डिंग्स के लिए जस्ट इसको यूटिलाइज करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्लास को। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं बिल्डिंग की इमेज ले लेता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि यार बिल्डिंग में मैं पर्सपेक्टिव रैप चलाकर और इसको जो है ना, इसका जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये 3-point पर्सपेक्टिव है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी आ रहा है, इधर से भी इसका, और इस तरफ भी। मींस के 3-point पर्सपेक्टिव वाली किसी भी इमेज या किसी भी बिल्डिंग में आप उसका पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं जस्ट पर्सपेक्टिव रैप के थ्रू। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका कंट्रोल जे करके इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और इस पर मैं काम करता हूँ ताकि हमारे पास ओरिजिनल लेयर सेव में रहे। तो जो पर्सपेक्टिव रैप टूल है वो एग्जैक्टली मैं एडिट पे जाऊंगा और एडिट पे जो पपेट रैप लास्ट क्लास मैंने आपको समझाई थी उसके बिल्कुल नीचे पर्सपेक्टिव रैप की ऑप्शन आ रही होगी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऊपर दो ऑप्शन आ रही होंगी, एक आ रही होगी लेआउट की और एक ऑप्शन आ रही होगी आपके पास रैप की ऑप्शन। लेआउट क्या करेगा कि आप ओवरऑल एक सिलेक्शन करके लेआउट बनाएंगे, फिर उसके बाद जो रैप आपने करना है वो उस हिसाब से करेंगे। तो इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको जूम करता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि यार मैंने इसको पर्सपेक्टिवली करना है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास वर्टिकल भी ऑप्शन आ रही होती है और हॉरिजॉन्टल भी। तो हमने जो जिस हिसाब से उसकी लाइंस जा रही हैं उस हिसाब से हमने इसको करना होता है ताकि हमारी रैपिंग आसानी से हो और जो है आसानी से हम लोग उसका पर्सपेक्टिव चेंज कर सकें। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, जब इस पर लिए मैंने ओवरऑल एक बना लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं चाहूँगा कि यार ये इस जगह पर आ जाए और ये पर्सपेक्टिव में इस जगह पर होगा। तो मैं थोड़ा नीचे ले जाता हूँ इसके एंडिंग पॉइंट के हिसाब से। तो इसको मैं इस जगह पे ले आता हूँ और ये भी ऊपर से नीचे लिटिल बिट कर्व पे आएगा और ये जो है ना नीचे से ऊपर कर्व पे आएगा, क्योंकि जब आप पर्सपेक्टिव में देख रहे होते हो कोई चीज़ इस तरह जा रही होती है तो ऊपर से भी सेम टू सेम जा रही होती है और नीचे से भी। ये ओवरऑल मैंने एक लाइन लगा ली है फॉर एग्ज़ाम्पल और इसका एग्जैक्टली पॉइंट इस जगह पर बनता है। अगर आप चाहेंगे इसको थोड़ा सा इस तरफ मूवमेंट करने के लिए आप शिफ्ट जस्ट प्रेस करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन दे देगा, उसी एंगल में आप मूवमेंट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो कि ये उसी एंगल में शिफ्ट जस्ट मैंने प्रेस किया हुआ है तो ये उसी एंगल में मूवमेंट कर सकेगा। इसी तरह अगर आप वर्टिकल भी करना चाहोगे तो वर्टिकल भी उसी एंगल में इसको आप मूवमेंट करवा सकते हो, जितना नीचे आपने करना है जितना ऊपर करना है वो आप इससे मूवमेंट करवा सकते हो। तो ये एक एंगल, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक एंगल बना लिया है। इसी के साथ एक और भी मैं एक एंगल बना लेता हूँ कि इस तरफ वाला एंगल लेआउट पे ही हूँ। ये आपने माइंड में रखना है कि जब भी आपने रैपिंग करनी है तो सबसे पहले आप लेआउट उसको बताओगे कि आपने किस किस चीज़ों को किस हिसाब से मूव करना है। इसको मैं इस पर ओवरऑल लेके जाऊँगा, ये आप देख सकते हैं ब्लैक सा आ रहा है, इसका मतलब कि ये खुद ब खुद ही उसके हिसाब से इसको मर्ज आउट कर देगा। जस्ट मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये आप देख सकते हैं एग्जैक्टली उसने उसकी लाइंस के हिसाब से, ये आप देख सकते हैं उसकी लाइंस के हिसाब से इसकी भी लाइंस ऑलरेडी बना ली। अब मैं जाता हूँ कि यार इसको मैंने मूवमेंट करवाना है, इसको रैप करवाना है, इस बिल्डिंग को दूसरे एंगल से लिटिल बिट दिखाना चाह रहा हूँ एक इमेज में कैसे आपने करना है वो उस हिसाब से पर्सपेक्टिव रैप यूज़ होगा। तो जस्ट मैं रैप वाली ऑप्शन में जाऊंगा, ये हमारे पास रैप वाली ऑप्शन आ रही होगी, इसमें रैप पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास हमारी ये ऑप्शंस, तीन ऑप्शंस ऊपर वाली, ये तीन ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। जैसे कि ये आपको एग्जांपल में बता रहा है कि आप रैप के थ्रू इस तरह इसको मूव कर सकते हैं, जिस तरह 2019 में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है उसी तरह ये 2019 में यूज़ कर रहा हूँ। तो 2019 में ये आपको समझा भी रहा है कि किस तरह आप किस तरह चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप इस पे जाएंगे तो आपके पास ये वाली भी ऑप्शन मौजूद है कि आप हॉरिजॉन्टली उसको आप रैप करना चाह रहे हैं, उसके बाद आपके पास वर्टिकली भी ऑप्शन होगी कि वर्टिकली आप किसी बिल्डिंग को रैप कर सकते हैं,
उसके बाद आपके पास ये डबल भी होगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों हिसाब से वो रैप आउट करेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि अजीब सा इसने वो बना के दे दिया हमारे सामने। मैं इसको अंडू कर लेता हूँ और मैं अपनी मर्जी से इसको रैप करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये जो पीछे वाला एरिया है ये थोड़ा बढ़ के हमारे सामने आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने ओवरऑल एरिया, पहले पिछली इमेज में हमारे पास क्या एरिया था और अब इसने क्या एरिया हमें बना के दे दिया। तो अगर हम पीछे दूसरी वाली इमेज का पीछे वाले हिस्से को भी चेंज करना चाहेंगे वो भी हम इजीली इसको चेंज कर सकते हैं। इसको मैं अगर इस्ता करना चाहूँगा तो आप इजीली उसको मूवमेंट करवा सकते हैं बिल्डिंग को। तो ये है पर्सपेक्टिव रैप का मकसद। तो इसको ओके करने के लिए अगर आपने चीज़ सही सेलेक्ट कर लिया तो जस्ट आप इस पर टिक मार्क पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज अंडू करना है तो आपके पास ये अंडू की ऑप्शन आ रही है। अगर आपने गलत बनाया है तो आप दोबारा से जस्ट इस सेंटर वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ रही होगी कि आप दोबारा उस इमेज पे जा सकते हैं। जस्ट मैं ओके कर लूँगा तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास इमेज आ गई है। तो नीचे वाली दिखाता हूँ मैं इमेज और ऊपर वाली आपको इमेज दिखाता हूँ। तो ये थी सिंपल सी क्लास हम लोगों की पर्सपेक्टिव रैप की, कि बिल्डिंग्स में पर्सपेक्टिव रैप किस तरह यूज़ होता है। ज़्यादातर जो बिल्डिंग फोटोग्राफी कर रहे होते हैं या कुछ भी, अक्सर औकात जब वो बिल्डिंग फोटोग्राफी कर रहे होते हैं तो कई एंगल्स उनके पास नहीं आए हुए होते जिस जो क्लाइंट हमने डिमांड कर रहा होता है, तो वो लोग क्या करते हैं वो पर्सपेक्टिव रैप का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनके पास बाकी एंगल्स भी, अगर उन्होंने फुल सही एंगल से 3D में उन्होंने पिक्चर ली हुई है, पर्सपेक्टिव में पिक्चर ली हुई है, तो उस हिसाब से वो इजिली इसको चेंज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कोई भी क्वेश्चंस है आप मेरे ग्रुप में, मैं नीचे डाउन पे लिंक दे रहा हूँ, आर्टिस्टिक मेंटोर में जाके ज्वाइन करें। और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जवाद यूनुस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।